हाय, हाय। आज हम दोनों भारत के दो नागरिक, आफ्टर इलेक्शन क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव, जो हमको जो लगता है आप लोगों के साथ रखने की कोशिश करेंगे। ये कोई एक्सपर्ट वाला वीडियो नहीं है, और हम राजनीति को हम देखते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उतना भी हम मैच्योर नहीं है, लेकिन अभी राजनीति बुझने लगे उतना मैच्योर नहीं होना चाहिए कि वो एक जो राजनीति कैसे होता है, एक एक्सपीरियंस ओके बात में होगा। तो हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, आफ्टर इलेक्शन या बिफोर इलेक्शन, जिस भी टॉपिक में अभी जो देश में हो रहा है। तो जैसे कि बहुत स्कैम हो रहा है देश में, जो इलीगेशन भी, ऐसा फ्रॉड भी अभी हो रहा है, इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो प्लीज। तो शुरू करते हैं रिजल्ट से। रिजल्ट आने से उस दिन पहले तक हमारे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ, एग्जिट पोल स्पेशली, हाँ, सारे एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि जो हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो लैंडस्केप विक्ट्री करने जा रही है 300+। कोई भी ऐसा मेन स्ट्रीम चैनल नहीं था जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को 300 से कम सीटें देने को तैयार था। बट जैसे ही रिजल्ट आया, मतलब जितने भी एग्जिट पोल थे इस बार सारे गलत साबित हो गए। हालांकि एक्सिस माई इंडिया या फिर किसी और के जो एग्जिट पोल निकालने वाले थे, उन्होंने वो भावुक भी हो गए, रोने लगे वो टीवी पे आके। बट दोस्तों, जो चीज है वो सब परसेप्शन का है, एक एक माहौल बनाया जाता है। तो देहा, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम एक्सपर्ट्स नहीं है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज्यादा मतलब हम सीख रहे हैं, ग्रो सीख कर रहे रहे हैं। हैं, बट एक्चुअली मेरा मानना है ना कि यहाँ पे हमारे जन्म लेने के साथ ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है हमारे साथ, चाहे घर पे होती है या फिर बाहर में। तो पॉलिटिकली अवेयर रहना सारे मतलब सबसे अच्छा है, ताकि आप पे कौन शासन कर रहा है, आप पे कौन राज कर रहा है, या फिर आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। शासन वर्ड इज नॉट अ राइट वर्ड कि डेमोक्रेटिक देश में कौन आपके लिए रूल्स बना रहा है, ये आप तय करते हो, तो सोच समझ के तय करना है। या जैसे इस परसेप्शन का के वजह से कि सारे चैनलों ने जब दिखाया कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है, इसके बाद शेयर बाजार में जो उछाल देखने को मिला और कितना जो लोगों के जो पैसे डूबे हैं, इस पे क्या बोलोगे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी शेयर बाजार को डिस्टर्ब किया, एक मिस्टेक था हमारा जो मिनिस्ट्री मीडिया है, जो उन लोग ने क्या किया, बोला बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, और एक वो माहौल ही बन गया ना। अभी अगर मैं इस टाइम में पैसे लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और उन लोग ने वो बाकी का ही रास्ते नहीं रखा। तो जैसे रिजल्ट में चेंज हो गया ना, जो मिनिस्ट्री मीडिया को जो चेंज हो गया, तो शेयर बाजार में बहुत उछाल देखा। वो मतलब बीजेपी ने वैसे एक देश को बना लिया, अभी मोदी का जीतेगा, अगली बार 400 पार, ये सब बोला। तो उन लोग ने शायद, मैंने कहीं पे सुना था, ये दूसरे लेफ्ट का वो आरोप भी लग रहा था कि मोदी ने, मोदी गवर्नमेंट के कुछ नेता ने एक पहले पैसा दे दिया जिस लोगों को, ऐसा बोल रहे कि अभी शेयर मार्केट में हाँ, अमित लगाओ, शाह जी ने भी, गृह मंत्री हाँ, जी ने भी कहा था कि तो मार्केट प्रॉफिट ऊपर जाने होगा। वाला है। जी, और फिर उसके बाद जो उस हिसाब से नहीं हुआ, तो बहुत ही गिरावट देखने को मिला। और रिजल्ट को कैसे देखते हो एज अ इंडियन? क्या ये रिजल्ट सही है? मैं न्यूज में देख रहा था और बोला सब खुश है जिसकी, राहुल गांधी भी। जनरली अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो पर्सनल अगर इसके दो आयाम है, दो एस्पेक्ट है। पहला तो मैं चाहता था कि जो भी गवर्नमेंट तो फुल मेजोरिटी की बने। दूसरी ओर आप बोलते ना कि आप कई बार जो आपका जो चुनाव होता है, जो आप चीज़ों को सेलेक्टिव नहीं हो सकते आप, तो एक तरफ तो मुझे पर्सनली चाहिए था कि जो भी गवर्नमेंट बने, हालांकि मौजूदा गवर्नमेंट से मेरी नाराजगी है बहुत मुद्दों को लेके, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ फॉरेन पॉलिसी भी हो, चाहे हमारा जो लद्दाख में सोनम वांगचू जी जो कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है एक साल से, अब तो आरएसएस ने भी कह दिया है। तो इन सारे मुद्दों पे मैं, मेरी पर्सनल नाराजगी थी और मुझे नाराज होने का एक पूरा हक है, क्योंकि एज अ इंडियन जो गवर्नमेंट है वो मेरा अभिभावक है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनको मेरी नाराजगी दूर करनी ही पड़ेगी, पहली बात। दूसरी है कि दूसरी तरफ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ कि जो गवर्नमेंट है, विपक्ष जिसको अपोजिशन बोलते हैं, वो थोड़ी स्ट्रांग हुई। अब जो गवर्नमेंट का जो मनमानापन है वो कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं। और एनआरसी एनआरसी तो क्या होता है ना कि आप
मतलब कि आप किसी भी पॉलिटिक्स में, और कभी भी जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो निरंकुश राजा जो होता है वो निरंकुश बनने के बन जाता है, हालांकि राजतंत्र देश में नहीं, लेकिन फिर भी जो विपक्ष का उठना, जो एक तरफ में लोग कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो खैर कभी भी नहीं होने वाला था। अगर आप इंटेलेक्चुअल है, चीज़ों को समझते हैं, देश के इतिहास को समझते हैं, तो कांग्रेस मुक्त भारत, हालांकि यहाँ पे कांग्रेस स्पेसिफिकली मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो मेन विपक्षी दल है, हालांकि लेकिन फिर भी जब तक भारत में राजनीति रहेगी, जब तक भारत रहेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों रहेंगे और दोनों रहने भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम होता है एक आईना दिखाने का कि साहब आप एक गलत कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया अलायंस का, मैं भी अगर अगली बार तक अगर इंडिया अलायंस रहती है, या फिर हो सकता है कांग्रेस और स्ट्रांग हो जाए, बाकी राज्यों में उसकी सरकार आ जाए, तो नो डाउट 29 अगर इसी स्पीड से गवर्नमेंट चली तो मैं थोड़ा, मतलब अगर मेरा वोट सिलेक्शन सही है या फिर मैं कुछ अगर ज़्यादा ना बोल दूँ, अगर लोग ना समझे, तो हो सकता है देखिए ये गवर्नमेंट है अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा ना कर पाए, क्योंकि TDP कई मुद्दों पे, कई बेसिक जो आधारभूत मुद्दे हैं उस पे BJP से अलग रुख रखती है। JDU जातिगत जनगणना का समर्थन करती है, BJP समर्थन नहीं करती। देखिए क्या होता है ना कि आप किसी को भी आज के टाइम पे, आज के समय में फोर गारंटेड नहीं ले सकते हो कि नहीं ये तो मुझे सपोर्ट करेगा ही। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, राम मंदिर बना, 500 साल का इंतजार खत्म हो गया, अयोध्या में BJP हार गई। हालांकि अगर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँ तो जाति फैक्टर थे, जो अवधेश प्रसाद है वो दलित के नेता है, अगर दलितों के सबसे बड़े नेता है, वो मौजूदा विधायक भी थे, और जो लल्लू सिंह थे वहाँ के जो स्थानीय जो आपका BJP के जो प्रत्याशी थे, उनके प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। भाजपा ये भाव नहीं था, भाजपा ने क्या सोचा कि अगर मैंने राम मंदिर बनाया है तो मुझे लोग वोट देंगे, और एक्चुअली भगवान आस्था का विषय है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मैं भी भगवान में बहुत मानता हूँ, मेरे घर वाले भी मानते हैं, बट सवाल ये है कि आप जो बड़बोलापन आप बोल रहे हो, मैं यहाँ पे पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी को बोल रहा हूँ कि साहब आपका इतना सपोर्टर है इंडिया में, राइट, आपकी इतनी स्ट्रांग छवि है, लेकिन बोलते हैं ना कि कोई ऐरा गैरा कार्यकर्ता अगर वैसा बयान देता तो चलो लोग निगलेक्ट कर देते, आप इतनी स्ट्रांग छवि रखते हो, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, आपको लोग इतना ज़्यादा मानते हैं, और आप एक दिन जाके मंच पे महाराष्ट्र में बोल रहे हो कि अजीत पवार सबसे भ्रष्ट है, और कुछ ही दिन बाद उन्हीं अजीत पवार को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो, पहला पॉइंट। दोस्त दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है, आप 5 साल छोड़िए, आप 10 साल सरकार में रहे, आप जनाब आप अपनी उपलब्धि गिनाइए कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, आप क्या बोल रहे हो कांग्रेस आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आपका जो प्रॉपर्टी दे देगी, ये एक जो प्राइम मिनिस्टर की जो चेयर है उसकी जो डिग्निटी है उससे मैच नहीं होती। नो डाउट प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आने वाले कुछ साल में भी वो पॉपुलर रहेंगे, लेकिन उनका जो ये बयान था वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर चेयर पे बैठ के ऐसा नहीं बोल सकते साहब, क्योंकि आपको लोग मानते हैं, आपकी एक जो वर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा लोग उसको वैल्यू करते हैं। और लास्ट एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है भाजपा को बहुत ज़्यादा डेंट हुआ है, वो है अब की बार 400 पार जैसे नारे, इसके अलावा भी आरक्षण छिन जाएगी का जो डर था, इस वजह से UP में जो सबसे ज़्यादा डेंट है वो लगा।